और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली दो मकसद जो है मकसद के लिए हम लोगों ने रखी थी। एक तो ये जो आप देख रहे हैं, एक हमने मोर्चा लॉन्च किया है, और दूसरा एक हमारी जो ये आप लोगों को मालूम होगा जो आज़म खान के खिलाफ एक FIR जो लिखाई गई थी, जिसमें उन्होंने हमारे यहाँ जो है हमला हुआ है हमारे घर के ऊपर में, जिस टाइम पे 6 तारीख को फिर 14 तारीख को लगातार जो पूरी सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, उस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सबसे पहले मैं आपको इस मोर्चे के बारे में बता दूँ, ये मोर्चा जो हमने लॉन्च किया है, जो बनाया है, ये हम लोगों को जो बहुत लोगों के बारे में पता चला कि साहब उनके मजलूम इतने हैं आज़म खान के जो है जुल्म के सताए हुए, जिनके अंदर आवाज़ नहीं थी, वो डरते थे, उनके अंदर खौफ था, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि आखिर अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं कैसे, क्योंकि डर के मारे आपको पता है रामपुर में क्या आलम चल रहा है। इस वक्त भी आप देखिए यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माशाल्लाह से प्रेस मीडिया कितना है रामपुर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह आप बहादुर लोग हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि यहाँ से भी नदारत है। खौफ का आलम यह है क्योंकि करीब में घर है उनका, इस वजह से उनके ऊपर भी खौफ का, जब मीडिया में जब आ जब मीडिया में खौफ का ये आलम है, तो आप एक नॉर्मल इंसान का समझ लीजिए कि उनके पर क्या गुजरती होगी। तो इस सिलसिले में हमने ये प्लेटफॉर्म एक मोर्चा इस तरीके का बनाया है कि जिसके अंदर कोई भी इंसान हो जिसको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी हो, चाहे वो दिल्ली तक, चाहे लखनऊ तक, हमारी जितनी भी हमारी अपनी खुद की कुव्वत है वो हम उनके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। अब उसमें हमें चाहे उनके साथ लखनऊ जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, किस किस जगह तक उनकी बात को पहुंचाना पड़े, वो इंशाल्लाह हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, कोई भी इंसान हो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। ये मोर्चा इंशाल्लाह हमारा उस इंसान के साथ खड़ा हुआ हुआ है, ये हमारा सबके लिए है। ये रामपुर क्या, उत्तर प्रदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान में हम जिस लायक भी हैं, हम हर किसी के लिए हाजिर हैं, हर किसी भी सताए हुए के लिए। अब हम लोगों ने भी पिछले 10-15 साल से आज़म खान के बहुत ज़्यादा जुल्म सहे हैं। मैं बेसिकली बाहर रहता हूँ, मेरे बहन भाई भी बाहर रहते हैं, घर में सिर्फ मदर और फादर अकेले रहते हैं। इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का तो आप लोगों का नाम पता ही होगा, जो FIR में सब चीज़ें हैं, हम जिसकी CCTV फुटेज भी सब जगह दी हुई है, पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी हुई है, प्रशासन ने हमारे इस बात का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन अभी भी प्रशासन उनके इतने डर और खौफ में है कि जो भी उसके अंदर कार्रवाई हो रही है वो बड़ी स्लो चल रही है। अब स्लो तो चल रही है, तो उसके लिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा तेज़ करा जाए। जो मुलजिमान है वो आज भी खुलेआम घूमते हैं, आज सुबह भी उन्होंने हमारे ऊपर फिर से एक हमारे वालिद साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको कहा कि इसको हम किसी तरीके से इसको ख़राब करें, उस चीज़ से उनको जो है ये हो रहा था कि बात अभी लोगों की निकल करके ऊपर तक पहुँच रही है, क्योंकि ये बात हमने बताया आपको रामपुर के रामपुर में रहेगी तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये बात हमारी दिल्ली और लखनऊ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जुल्म ज़्यादती रामपुर के रामपुर में दब के रह जाया करते थे। जैसे ज़माने में एक नवाब साहब के बारे में कहा करते थे आज़म खान के साहब, रामपुर में ऐसा हो रहा है, यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जा रही, जो कि बिल्कुल सब एक झूठी था। लेकिन आज इन्होंने खुद ऐसा कर रखा है कि रामपुर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, अब इंशाल्लाह जाया करेगी। दूसरा ये कि इस मोर्चे के साथ में हमारे और बहुत से लोग जो है इंशाल्लाह जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी हमने एक छोटी सी, देखिए कोई भी चीज़ होती है चिंगारी से शुरू होती है, लपट तो बनने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। आज़म खान के पास भी ताकत जो आई थी वो हल्के हल्के आई थी, तो ऐसी उनकी ताकत भी हल्के हल्के जा रही है, लेकिन अपनी उन्होंने खुद इतनी जो है ज़्यादा वो कर रखी है, अपने जो है लोगों के परेशान करना, हर किसी के साथ जो है जुल्म ज़्यादती करना, कि वो ऊपर वाले की लाठी उनके ऊपर खुद पड़ रही है। इतनी घपले इतने किए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने चीज़ें जो है गबन और हर तरीके की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, तो ये सब चीज़ें की। और ये लोग इतना इसमें जो है जुल्म सहते करते थे, हम लोग बाहर थे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस मरतब जब उन्होंने हमला किया थे तो काफ़ी बातें, मैं मेरी सिस्टर वगैरह हम लोग यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे, तो हमने कहा अब बहुत जुल्म हो गया, हम आज के आगे नहीं सहेंगे, अब इस बात की आवाज़ हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, चाहे हमारा हशर को भी हो, ये हमें मार दें, काट दें, कुछ कर दें, क्योंकि हमारे पर हमले हुए थे, तो इसका मतलब तो अब इसके आगे कुछ बचता नहीं है साहब। इंसान की जान ही होती है, उसके माँ बाप उसके लिए एक सरमाया होते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो आगे हम क्या करेंगे। तो हमने कहा अब आवाज़ ऊपर उठाइए, तो खैर हमने फिर ऊपर उठाना शुरू करी, हमारी आवाज़ हल्के हल्के बहुत बड़ी, लेकिन ऊपर वाले की चलिए थोड़ी सी हमारे ऊपर उसकी नज़र सीधे रही कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँच गई और हमारी बात थोड़ी सी सुनी गई। अब हम लोगों की इंशाल्लाह आगे की ये आप लोगों से सबसे एक गुजारिश भी है कि एक सच्चाई को रास्ते पर जो हम चल रहे हैं, सच्ची बात ही हमारी आगे तक पहुँचे, सच के अलावा हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सच के साथ ही हम हैं, और इसके अलावा हमें कुछ करने न चाहिए, ना हमारे कोई पॉलिटिकल हमारे एम्बिशन से, ना हमारे कोई इकोनॉमिकल एम्बिशन से, ना हमें कोई साफ ठेके चाहिए किसी से, ना हमारा कभी दस्तक का किसी से, किसी भी नेता से, किसी से हमने कोई काम लिया, हम बड़े सीधे साधे से अपने
10 to 5 जॉब करने वाले लोग छुट्टियों में घर आ गए, उसके बाद छुट्टियों से घर वापस चले गए, माँ बाप घर से बाहर कहीं दिखते नहीं है, इन लोगों को बदनाम जाती हो रही थी, इसलिए हमने कहा आवाज़ उठाएं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाकी और किसी को तो आवाज़ मिलेगी ही नहीं।